नमस्कार दोस्तों रीजेंटली एक आई एफ एस ऑफिसर ने एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज का फोटो शेयर किया और नीचे कैप्शन में लिखा लेस देन 150 लेफ्ट ऑन प्लैनेट बात सच है दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज का नाम है नॉर्थन रिवर टेरापिन इसे बाटागुर बस्का भी बोलते हैं तो चलिए नॉर्थ रिवर टेरापिन या बाटागुर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं ये बेसिकली एक रेयर फ्रेश वाटर टर्टल है नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली अक्वाटिक है मतलब ज़्यादातर पानी में रहते हैं केवल अंडे देने के लिए दोस्तों ये लैंड में आते हैं एंड दे यूज एरियाज लाइक एस्टुअरीज रिवर्स मैंग्रूव फॉरेस्ट फॉर नेस्टिंग इवन हमारा सुंदरबंस एरिया में भी आपको ये नॉर्थन रिवर टेरापिन देखने को मिलेगा इनके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दोस्तों इट इज़ फाउंड इन इंडिया एंड बांग्लादेश बेसिकली सुंदरबंश मैंने आपको पहले बताया म्यांमार मलेशिया इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सुमाथ्रा आइलैंड में फिर थाईलैंड एंड कम्बोडिया अब इनके लिए कौन सा क्लाइमेटिक जोन सुइटेबल है दे आर टू द ट्रॉपिकल जोन तो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो ट्रॉपिकल जोन है दोस्तों उधर ही ये रिवर टेरापिन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा उनके लिए सुइटेबल क्लाइमेटिक जोन ट्रॉपिकल कंडीशन है इनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात किया जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज आई का रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में है मतलब टॉप प्रायोरिटी दिया हुआ है साइट्स का अपेंडिक्स में है हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल के बारे में बात किया जाए सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन वाटर एंड ओनली कम ऑन लैंड टू ले एग्स ये मैंने आपको पहले बताया दोस्तों ज्यादातर ये पानी में रहते हैं अंडे देने के लिए लैंड में आता है ये लॉन्ग सीजनल माइग्रेशन भी अंडरटेक करते हैं दोस्तों एटी टू नाइनटी किलोमीटर तक का एंड दे आर सोशल क्रीचर्स मतलब ये ग्रुप में रहते हैं हमें डाइट देखिए ओमनी डाइट है मतलब वाटर सेट प्लांट्स भी खाते हैं स्मॉल एनिमल्स सचा क्लैम्प भी खाते हैं इनके ऊपर मेजर थ्रेट्स क्या क्या है दोस्तों देखिए आजकल सारे जानवरों के ऊपर थ्रेट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने जो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन किया है उसका नेगेटिव इंपैक्ट सारे जानवरों के ऊपर है क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है तो सेम प्रॉब्लम्स इनके साथ भी है इनका हंडिंग होता है पोल्यूशन से इनको प्रॉब्लम्स होता है लॉस ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग नेस्टिंग बीचेस मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर फूड सोर्सेज देखिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन माने जहाँ पे ये नेस्टिंग करने आते हैं बीचेस मैंग्रोव फॉरेस्ट वो सबका आजकल डिस्ट्रक्शन हो चुका है दोस्तों तो उसकी वजह से उनको नेस्ट करने के लिए जगह नहीं मिलते हैं और फूड सोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम हुआ है फिर देखिए इंसिडेंटल ड्राउनिंग बाई गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स देखिए कभी कभी गलती से ये फ़िशिंग नेट्स में ट्रैप हो जाता है

अब कंकरेंट लिस्ट में आने से क्या होगा वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं ठीक है नाउ एक फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों आर्टिकल 51 वन ए क्लोज जी ये कहता है एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एन्वायमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो हम सबको फॉरेस्ट एंड एनवायमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रिजर्व करना चाहिए ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल फोर्टी एट ए बेसिकली इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें क्या बोला है इट मैंडेट्स दैट द स्टेट बेसिकली स्टेट को ये आर्टिकल फोर्टी एट ए डायरेक्ट करता है या फिर मैंडेट देता है इट शाल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ़ द कंट्री तो बेसिकली हमारे एनवायरमेंट हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए मैसेज अडोप्ट करना चाहिए स्टेट को अब दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं एंड 1972 में इन एक्ट हुआ था इस इसमें टोटल सिक्स शेड्यूल्स है तो एक एक शेड्यूल में अलग अलग एनिमल्स एंड बर्ड्स को इंक्लूड किया हुआ है इन्हें वेरियस डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन दिया हुआ है जैसे कि शेड्यूल वन में जितने एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब क्या होता है जिनके पॉपुलेशन में डिक्लेन हो रहा है स्टेबल पॉपुलेशन नहीं है अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो जल्दी ही एक्सटेंड हो जाएगा तो इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं तो सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज जो इंडिया में है दोस्तों वो शेड्यूल वन ऑफ डब्ल्यू पी ए में आता है इन्हें रिग्रेस प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है अगर कोई लो को वायलेट करेंगे तो उनके अगेंस्ट हार्शेस्ट पेनाल्टीज इम्पोज होगा बेसिकली देखिए ये जो एनिमल्स है ना इनको कोई हंट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ अगर ह्यूमन लाइफ के ऊपर थ्रेट है तब परमिशन के साथ इन्हें हंट कर सकता है बेसिकली इन्हें मार सकता है अदरवाइज इन्हें कोई हंट नहीं करना चाहिए इन एनिमल्स का ट्रेडिंग भी प्रोहिबिटेड है तो ये सारे प्रोविजन्स को अगर कोई वायलेट करेंगे उनके अगेंस्ट हार्श पेनाल्टीज इम्पोज होगा कुछ एग्जाम्पल्स है ब्लैक बक ब्लैक बक के बारे में तो आपने सुना ही होगा अपना सलमान खान फंस गया था ठीक है वैसे अब तो वो अक्यूट हो गया पर कुछ 20-22 साल पहले एक ब्लैक बक को एक फिल्म शूटिंग के टाइम पर सलमान खान ने मार दिया था अब मार दिया था यह मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कोर्ट को तो उन्हें कोर्ट तो उन्हें छोड़ दिया है ठीक है सेकेंड है बंगाल टाइगर फिर क्लाउडेड लेपर्ड स्नो लेपर्ड स्वैम डियर हिमालयन बेयर एशियाटिक चीता कश्मीरी स्टाक एक्सेट्रा अगला है शेड्यूल टू शेड्यूल टू में ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हाई प्रोटेक्शन दिया हुआ है पर उतना नहीं जितने शेड्यूल वन में दिया हुआ है ठीक है इनके भी ट्रेड प्रोहिबिटेड है इनको भी हंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों देखिए आसामिस मकाक पिकटेल मकाक बंगाल हनुमान लंगूर हिमालयन ब्लैक बेयर फ्लाइंग स्क्वाल जेंड स्क्वायेरल स्पेम वेल इंडियन कोबरा किंग कोबरा ये सारे शेड्यूल टू में हैं अब आता है शेड्यूल थ्री एंड फोर दिस लिस्ट इज फॉर स्पीशीज दैट आर नॉट एंडेंजर्ड तो जो एंडेंजर्ड नहीं है एंडेंजर्ड नहीं है इसका मतलब क्या है दोस्तों बेसिकली इनके पॉपुलेशन स्टेबल है पॉपुलेशन डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो ऐसे एनिमल्स है दोस्तों शेड्यूल थ्री एंड फोर में एंड this includes protected species but the penalty for any violation is less compared to the first two schedules देखिए इसमें भी प्रोटेक्टेड species है शेड्यूल 3 एंड 4 में है इसका मतलब ये नहीं है आप खोला इनका hunting करोगे ऐसा नहीं है ठीक है पर जो penalty होगा violation का वो कम होगा as compared to schedule 1 एंड 2 फिर आते हैं दोस्तों शेड्यूल 5 this schedule contains animals that can be hunted अब इसका कुछ examples में आपको बता देता हूँ जिसे आप मार सकते हैं ठीक है थीके? जैसे कि क्रव जो कौवा हो गया रैट मैस ये सारे शेड्यूल फाइव में आते हैं इसे अगर आप जान से मारोगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता बेसिकली आप वायलेशन ऑफ लॉ नहीं कर रहे हैं ठीक है फाइनली शेड्यूल सिक्स द लिस्ट कंटेंस प्लांट्स दैट आर फॉर्बडन फ्रॉम कल्टिवेशन ऐसे प्लांट्स है दोस्तों जिसे आप कल्टिवेट नहीं कर सकते जिसे कल्टिवेट करने से दूसरे प्लांट्स को प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई ये गांजा वाला जो प्लांट हो गया

इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा ठीक है इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट ट्रेड इन आइटम्स मेड फ्रॉम सच प्लांट्स एंड एनिमल्स देखिए ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो एनिमल से या प्लांट से बनते हैं कुछ फूड प्रोडक्ट्स है कुछ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स है जैसे कि एनिमल स्किन यूज़ करते कुछ लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए या फिर क्लोथिंग पर्पस के लिए मेडिसिन है कुछ प्लांट से जो रेजिन निकलते हैं उसे मेडिसिन बनता है सोवनिर से ठीक है तो ये सारे का जो ट्रेड है रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है साइट्स जो है ये साइट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था मार्च थर्ड 1973 को इसलिए वर्ल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करता है मार्च थर्ड को ध्यान दीजिएगा और साइट्स कन्वेंशन को एडमिनिस्टर करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम दैट इज यू एन ई जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन तो जितने कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया है या फिर ज्वाइन किया है उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग है तो सारे कंट्रीज को क्या करना है अपना अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अडोप्ट करना है साइट्स का गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में इसके लिए भी प्रोविजन्स है जो साइट्स में लिखा हुआ है तो ये चलेगा ठीक है वैसे इंडिया इस कन्वेंशन का एक पार्टी है इंडिया 1976 1976 में ज्वाइन किया था ध्यान दीजिएगा ठीक है फाइनली के बारे में भी बता देता हूं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये बेसिकली एक मेंबरशिप यूनियन है इसमें बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ध्यान दीजिएगा यह सारे स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकते हैं ठीक है 1948 में ये क्रिएट हुआ था इट इज द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड मेशर्स नीडेड टू सेव कार्ड इट तो बेसिकली हमारा नेचुरल वर्ल्ड का स्टेटस बताने वाला एक ग्लोबल अथॉरिटी है आई जो है और ये मशर्स भी रेकमेंड करते हैं किस तरह उन्हें सेफ करना चाहिए हेडक्वार्टर अगेन इन स्विट्जरलैंड अब आई रेड लिस्ट ऑफ थर्ट स्पीशीज है दोस्तों इट इज द दर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज तो देखिए दुनिया में जितने प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है ना उसका एक ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस आपको मिल जाएगा आयु रेड लिस्ट ऑफ थर्ट स्पीशीज टोटल नाइन कैटेगरी से दोस्तों आयुसीएन रेड लिस्ट में कौन कौन सा है सबसे पहले तो नॉट इवेलुएटेड मतलब उस एनिमल या प्लांट स्पीशीज के बारे में ज्यादा कोई स्टडी नहीं हुआ है दूसरा है डाटा डेफिशिएंट मतलब उस प्लांट या एनिमल स्पीशीज के बारे में ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया है डाटा डेफिशिएंट ने फिर आता है दोस्तों लीस्ट कंसर्न अब ये जो लीस्ट कंसर्न से लेके एक्सटिंग तक जितने भी कैटेगराइजेशन है उसके बारे में एडिक्वेट डाटा है और कंजर्वेशन स्टेटस आई यू सी एन प्रोवाइड किया है जैसे कि लीज कंसर्न मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेबल पॉपुलेशन है पॉपुलेशन डिक्लेन नहीं हो रहा है फिर नियर थ्रेटन मतलब थोड़ा सा थ्रेटेंड है मतलब थोड़ा बहुत उनका पॉपुलेशन डिक्लेन हो रहा होगा या फिर उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा जो भी है फिर देखिए वर्नरेबल अब ये जो वर्ल्नरेबल एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये थ्रेटन कैटेगरी से दोस्तों मतलब उनके ऊपर थ्रेट है ठीक है इसके बाद आता है दोस्तों एक्सटिन इन द वाइल्ड एक्सटिन इन द वाइल्ड मतलब वाइल्ड एरियाज़ में बेसिकली जो फॉरेस्ट वगैरह है उधर आपको ये पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगा पर कहाँ देखने को मिलेगा जू में ठीक है जू में केवल रहता है कुछ एनिमल्स है ऐसा केवल आपको जू में मिलेगा वाइल्ड में नहीं मिलेगा इसे एक्सटिंट इन द वाइल्ड बोलते हैं एंड फाइनली एक्सटिंग एक्सटिन मतलब कंप्लीटली एक्सटिंट हो गया जैसे कि जो एशियाटिक चीता है वो इंडियन इंडिया से कम्प्लीटली एक्सटेंट हो गया था ठीक है नहीं अब जाके कुनोपालपुर पालपुर नेशनल पार्क में फिर से की इंट्रोड्यूस किया है वो अलग बात है पर इंडिया से कम्प्लीटली ही हो गया था मतलब एक भी बचा नहीं इस कंडीशन को एक्सटेंट बोलते हैं ठीक है थीके? तो दोस्तों दैट से आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है स्टे